हेडलाइंस के बाद चलिए रुक करते हैं खबरों का। भोपाल में संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में कर्मचारियों ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के निवास स्थान पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान तीन मुद्दों को लेकर संयुक्त संगठन मोर्चे ने मंत्री को आवेदन सौंपा, जिसमें वेतनमान, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं पंचायत संगठन ने भी आवेदन के जरिए अपनी समस्याओं से अवगत कराया, तो दूसरी ओर कर्मचारियों से मुलाकात कर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने सभी परेशानियों पर विचार कर निराकरण करने की बात कही। साथ ही इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद कर्मचारियों के हित में काम करने की बात कही है। हमारा प्रथम चरण 20 जुलाई को पूरे जिलों में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देकर पूरा हुआ था। आज दूसरे चरण में हमने तय किया था कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में हम माननीय विधायक, माननीय मंत्री और माननीय सांसद महोदयों को अपनी तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। इसी क्रम में आज भोपाल राजधानी में हमने इस प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, जो सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन गारंटी विभाग के मंत्री हैं, उनसे हमारे सभी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर मुलाकात की। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ऐसे कई हमारे कर्मचारी नेतागण अभी मुझे एक ज्ञापन दिया है। इन लोगों ने तो तीन मुद्दों को लेके इनका कोई डिमांड नहीं, लेकिन 1 जुलाई 2020 के वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए। दूसरा इनका डिमांड है 5% महंगाई भत्ता, जो आसार सरकार द्वारा निश्चित किया गया था, उसका भुगतान किया। तीसरा कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति अधिसूचित की जाए। मैंने तीन मुद्दों को लेकर अभी ज्ञापन दिया है यहाँ पर मुझे, और एक मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास ये वाला जो हमारे दिनेश शर्मा जी हैं, उनका भी एक ज्ञापन सबको दिया है। तो अभी प्राथमिक रूप से पहली बार हमारी इनसे मुलाकात हुई, पहली बार चर्चा हुई, तो विधि सम्मत क्या क्या हो सकता है, क्या क्या, क्योंकि कर्मचारी भी हमारे एक जो पद्धति है उसमें एक बड़ा पार्ट है।